गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस मींस कंप्यूटर इन बिजनेस, यानी जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को हम इंटरनेट के माध्यम से जब हम बिजनेस में यूज करते हैं तो उसको हम इमर्जिंग मोड्स यानी कि नए नए जो आयाम हैं बिजनेस करने के वो क्या हैं, उन पर अब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो अभी तक हमने ऑनलाइन बिजनेस के बारे में जान लिया, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस में क्या क्या स्टेप्स हैं वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम जानते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करना आसान हो गया है, बावजूद उसके सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना होगा। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा सेफ ये सिस्टम है, लेकिन अगर हमें थोड़ी सी भी नॉलेज कम हो या हमसे कोई मिस्टेक हो जाए तो ये बहुत भारी नुकसान के रूप में भी सामने आ सकती है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से रिस्क हैं जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, तो वो कौन कौन से रिस्क हैं जिसकी वजह से हमको नुकसान या लॉस हो सकता है, बिजनेस में लॉस हो सकता है। नंबर वन है ट्रांजैक्शन रिस्क। ट्रांजैक्शन करने का एक बहुत बड़ा रिस्क इसमें रहता है, क्योंकि जब कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस करता है और कई बार वो ऑर्डर डिनाई हो जाता है, लेकिन हमें तो वो ऑर्डर डिनाई लगता है कि डिनाई हो गया है, लेकिन वो ऑर्डर वास्तव में प्लेस हो जाता है और वो ऑर्डर के बेस पर हो सकता है कि आपके घर तक वो सामान ऑनलाइन डिलीवरी आपकी हो जाए या पहुंच जाए, ये पॉसिबिलिटी रहती है कई बार। अगर रिस्क अगर कम नॉलेज है या हमने आपका सिस्टम हैक हो गया है और हमने कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन की हुई है तो ये भी हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन आपकी परफॉर्म हो जाए और हम ये सोचते रह जाए कि ट्रांजैक्शन नहीं हुई है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने ट्रांजैक्शन की, पेमेंट की, और आपके यहाँ पेमेंट की ट्रांजेक्शन दिखा दिया, कई बार ऐसा होता है, और सेलर तक वो अमाउंट पहुँचा ही नहीं है, ये भी एक तरह का रिस्क है और ये भी पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, ऐसा प्रैक्टिकली ऐसा होता है, तो ये भी एक तरह का रिस्क है। ट्रांजेक्शन का रिस्क एक मेजर रिस्क है जो नॉर्मली ये सामने आ जाता है। नंबर टू एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क है डेटा स्टोरेज का, डेटा स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन रिस्क। आपका जो डेटा है ये हो सकता है कि आपका डेटा किसी गलत हाथ में चला जाए, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड अगर कोई और किसी वजह से किसी और को मालूम चल जाए तो वो आपकी इंफॉर्मेशन वहां से ले सकता है और उसके बेस पर सेल परचेज की ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि जब आप पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड को सेव करने का ऑप्शन मांगता है और आप सभी लोग अपने सिस्टम में सेव करके रखते हैं उनको, अगर आपका सिस्टम किसी और के हाथ लग जाए तो वो ट्रांजेक्शन कर सकता है, और क्योंकि लॉगिन आईडी और पासवर्ड पेमेंट के वो उसमें सेव रहते हैं तो ये भी हो सकता है कि वो इसका कुछ गलत फायदा उठा ले, तो ये पॉसिबिलिटी भी रहती है। आपका जो सिस्टम में डेटा स्टोर है वो भी आराम से हैक किया जा सकता है, तो हैकिंग की एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं रिस्क ऑफ थ्रेट्स टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड प्राइवेसी। आपने देखा होगा बहुत सारे वायरस जब हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं हमारे सामने आते हैं, और कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर देते हैं, तो ये भी एक रिस्क है। मान लीजिए कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज लाइक ट्रेडमार्क, पेटेंट्स, या आपका कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या आपकी कोई रिसर्च वो आपके सिस्टम में हो और किसी ने सिस्टम को वायरस के थ्रू करप्ट कर दिया हो तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, या उन्होंने सिस्टम को हैक कर लिया हो और आपकी सारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जितनी भी है उसको उन्होंने, उसकी सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वहां से हटा दी हो या चोरी कर ली हो,
ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो इसमें ये भी एक बड़ा रिस्क है कि जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है वो भी हट जाती हैं और प्राइवेसी भी आपकी जाने के चांसेस रहते हैं। भाई सभी के सिस्टम में कुछ ना कुछ पिक्चर्स होती हैं, घर की फैमिली पिक्चर्स होती हैं या जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है जो लगता है आप किसी को शेयर नहीं करते, तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो सिस्टम को हैक करके वो सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से ले ली जाए, तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स, ये जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करें तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप सही साइट पर जाएं। जब आप साइट पर लिखते हैं HTTPS, अगर वो S लिखा हुआ है लास्ट में, HTTPS लिखा है, S मीन सेफ एंड सिक्योर है, तो आप उस साइट को ओपन करें। और अगर उसमें S नहीं लिखा हुआ है, HTTP लिखा है ओनली, तो आप उसको ओपन ना करें, क्योंकि ये हो सकता है फेक साइट हो। हमेशा जो फेमस या रजिस्टर्ड वेबसाइट्स हैं आप उन्हीं को ओपन करें, जिनके बारे में जानते हैं उनको ही ओपन करें, जिनको नहीं जानते उनको बिल्कुल हाथ ना लगाएं, और अपने लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी से शेयर ना करें, अपने एटीएम यानी डेबिट कार्ड के क्रेडिट कार्ड के जो पिन हैं उनको आप किसी से शेयर ना करें। तब इस तरह से आप, और कुछ नॉलेज, कंप्यूटर की नॉलेज भी जरूर रखें, प्रैक्टिस में लेकर के आए। बिना किसी इंटेलिजेंट या सपोर्ट के आप उस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म ना करें, जब आपको हैबिट हो जाए तब आप उसको कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना बहुत सेफ एंड सिक्योर है, बहुत इजी है, टाइम सेविंग है और इकोनॉमिकल भी है। तो आप सभी ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को करके देखिए, प्रैक्टिकली आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा आउटसोर्सिंग, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।